नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। थोड़ा सा तबीयत डाउन है और थोड़ा सा ज्यादा नया शहर है। अब नया शहर आप पूछो कि कौन सा नया शहर है, तो नए शहर के बारे में बाद में बताएंगे, बट नया साल जरूर शुरू हो गया है। तो नया साल की आप सभी लोगों को और आपके परिवार वालों को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि सभी खुश होंगे, क्योंकि हमें तो बहुत मजा आ रहा है भाई साहब। तो मजा क्यों आ रहा है आप ये जानना चाहोगे? यार मजा इसीलिए आ रहा है क्योंकि यार मैं उस शहर में हूँ जो मेरे से पर्सनली बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। मैं जितनी भी पिक्चरें वगैरह देखता हूँ उनमें से आधे लोग आधी चीजें इसी शहर से आती है। यहाँ पे बहुत सारे फिल्म स्टूडियोज हैं, यहाँ पे बहुत सारे फिल्म एक्टर्स रहते हैं, यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है यार। मैं बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हूँ। पहली बात तो मैं कौन से शहर में हूँ, मैं हूँ जी मुंबई में। फ्लाइट लैंड होते टाइम मैं इतना ज्यादा ओवरवेल्म हो गया था, कुछ तो है इस शहर में। मतलब ऐसा ऊपर से ही अंधेरे में फ्लाइट से उतरते टाइम इसकी सारी लाइटों वाइटों को देख के मेरे को इतना ज्यादा अच्छा फील हुआ। आई कांट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स। इट जस्ट फेल्ड लाइक होम टू मी, कमिंग होम टू मी। मतलब ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है शहर में। गर्मी ज्यादा है हमारे वहाँ पे, ठंड है, और ठंड के कपड़े के बिना आना था यहाँ पे। इसको विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं उधर से इधर आऊंगा तो मेरे को इतनी ज्यादा गर्मी लगेगी। बस मतलब ये शहर ना ऐसा अपना अपना सा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ आ जाना चाहिए, मेरे को ऐसा अपनी लाइफ का पर्पस मिल गया, ऐसे आगे के सारे सपने इसी शहर में बना लिए वाला सिस्टम हो गया। ऐसा क्यों हुआ? इसी से रिलेटेड मैं ये वीडियो बनाना चाहता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चैनल अब मेजरली मूवीज के बारे में क्यों हो गया। पहले ये चैनल क्यों था, कैसे स्टार्ट किया था और अब ये क्या हो गया, उसी चीज के बारे में वीडियो है। ठीक है, तो आप लोग काफी टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हो। आप लोगों ने इस साल मेरे को बहुत कुछ दिया, बहुत सारी खुशियां एक्चुअल में दी, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करे हैं, मेरी वीडियोस को इतने व्यूज दिए हैं आप लोगों ने। तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है आपको बताना कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ और मैं अभी इस वक्त किस स्टेज पे हूँ लाइफ की। ये चैनल एक्चुअल में है क्या भाई, क्यों बना हुआ ये चैनल? हैप्पी न्यू ईयर 2023। मैं ये वीडियो को 1 जनवरी को शूट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये जानते हो कि ये चैनल किस बारे में है। ये चैनल है मूवीज़ के बारे में, और मूवीज़ के बारे में बनाना मैंने सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसीलिए समझा क्योंकि मुझे पर्सनली मूवीज़ बहुत पसंद है। पर पहले ये गाड़ियों के बारे में क्यों था? आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे होंगे जिनको ये लगा होगा कि यार ये पहले तो गाड़ी वीडियोज़ बनाता था, उसके बाद ये ऐसे कैसे आ गया? तो उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या हुआ ना, मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया। मेरे को नई गाड़ी लेनी थी और यूट्यूब चैनल पर मैं 3 वीडियोज़ डाल चुका था ऑलरेडी राइटअप्स। मेरे को गाड़ी लेनी थी और मैं रिसर्च करना स्टार्ट, तो मैंने देखा कि लोगों ने बहुत सारी ऐसी वीडियोस बना रखी हैं जो गाड़ी के बारे में शायद जानते भी नहीं है उतना, बट उन्होंने रॉ वीडियोस बना रखी हैं कि गाड़ी के अंदर क्या है, बाहर क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, चलने में कैसी है और ये सब। मैंने कहा यार ये सब तो मैं भी बना सकता हूँ, हर इंसान को लगता है। तो मैंने सोचा कि यार देखी जाएगी, आई हैव द रिसोर्सेज एंड इक्विपमेंट्स टू मेक वीडियोस लाइक दिस। तो जैसे ही मैंने गाड़ी ली तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उसी तरह की वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दूंगा और जितना मुझे पता है उस गाड़ी के बारे में उतना मैं बताऊंगा। तो उससे क्या हुआ ना, मैंने वीडियोस डालनी स्टार्ट करी। पीपल, आपको पता है इंटरनेट कैसा है, इंटरनेट इज अ फ्री ऐसा कम्युनिटी, तो सारी तरह की वीडियोस पे सारी तरह के कमेंट्स आने लग गए। तो अब उनमें से कुछ कमेंट्स तो अच्छे थे, पर कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि तेरे को कुछ पता ही नहीं है गाड़ियों के बारे में यार, फलाना फलाना। अब मैं उन सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं कि मुझे सच में नहीं पता है यार गाड़ियों के बारे में। मुझे जितना पता था मैंने उतना बता दिया, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। तो मेरे को जितना पता था, जितना मैंने सीखा था, उतना मैंने गाड़ियों के बारे में वीडियोस बना दी। जितनी गाड़ियां मेरे पास थी, 2 ही गाड़ियां थी, और दोस्तों की जितनी गाड़ियां थी उतनी वीडियोस बना दी। उसके बाद मेरे को हो गई कंटेंट क्राइसिस, बट इससे मुझे क्या मिला कि एक पुश मिल गया कि मैं ये चीजें बनाऊंगा तो लोग मेरी बातें सुनेंगे। इनिशियली नहीं सुनेंगे, बट जैसे जैसे मुझे डिस्कवर करते जाएंगे उतना मेरा चैनल ग्रो करता जाएगा और उतने मेरे साथ सिमिलर थॉट प्रोसेस वाले लोग जुड़ते रहेंगे। तो मेरे साथ गाड़ी वाली थॉट प्रोसेस वाले लोग जुड़ने लग गए। तो जैसे जैसे वो लोग जुड़ते गए मेरे को अच्छा लगने लगा और मेरा ऐसा यूट्यूब चैनल उन्हीं वीडियो से मोनेटाइज भी हो गया। मतलब मैं बहुत खुश हो गया कि यार वाओ यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया, अभी पैसे आने लगेंगे। और ऐसा मेरे को अंदर से ना वो फील नहीं आई जो हर इंसान को ऐसा लगता है ना सर, कि यार अंदर से नहीं फील हुआ, तमाशा वाली फीलिंग कि यार अच्छा नहीं लग रहा, अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है कि यार जो मैं काम कर रहा हूँ उस काम को मैं कितना टाइम तक ही कर पाऊंगा, कितना टाइम ऐसे दूसरों की गाड़ियों पे जाके ऐसे वीडियो बना पाऊंगा, कितने टाइम लोगों को ऐसे बिलीव करवा पाऊंगा कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें मैं एक्चुअल में इंटरेस्टेड हूँ। ये सच नहीं है, ये सच था भी नहीं, बट उस ड्यूरेशन के लिए मैं जरूर बहुत इंटरेस्टेड था। जितने ड्यूरेशन के लिए मैंने वीडियोज बनाए उसमें मैं पूरा इनग्रॉस था, क्योंकि मैं गाड़ियों के बारे में रिसर्च कर रहा था। मेरे को अपनी खुद की नई गाड़ी लेनी थी, मम्मी पापा को नई गाड़ी दिलानी थी, मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि कौन सी गाड़ी अच्छी कौन सी गाड़ी बुरी। तो जितनी ड्यूरेशन तक मैंने गाड़ियों के
बारे में सीखा आपको बता दिया, बट मेरी जो एक्चुअल जिंदगी है उसमें मैं सबसे ज्यादा पता है क्या करता हूँ, फिल्में, मूवीज, पिक्चरें, टीवी शोज, यही सब। और ये सारी चीजें कर करके मैंने अपना पूरा बहुत ज्यादा समय मूवीज और टीवी शोज और एक्टिंग, एक्टर्स, इन सब पे डाल दिया है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी ऑडियंस को मूवीज में ट्रांसलेट कर दूं, क्योंकि वो काम करने में मेरे को खुशी होती है, वो काम करते टाइम मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है, अंदर से अच्छा फील होता है जब उस पे रिस्पांस आता है। गाड़ी वाली वीडियोस पे रिस्पांस आता तो मेरे को टेंशन होती थी कि मैं अब इसको कैसे मैच कर पाऊंगा, इस रिस्पांस को कैसे मैच कर पाऊंगा, इन सारी वीडियोस का मैं जवाब कैसे दे पाऊंगा, इन सारे क्वेश्चंस का मैं जवाब कैसे दे पाऊंगा। जबकि ऑन दी अदर हैंड मूवीज के बारे में मेरे पास मोस्टली क्वेश्चन, नोबडी इज परफेक्ट, बट मोस्टली क्वेश्चंस के मेरे पास आंसर होते हैं। जितनी भी बातें आप पूछते हो मेरे से, मेरे पास सबका आंसर है। अगर नहीं भी है तो मुझे खुशी होती है उस चीज के बारे में ढूंढने में और आंसर आपको बताने में। तो यही हुआ, फिर मैंने मूवीज के बारे में वीडियोस बनाई, व्यूज भाई साहब इतने कम आए, मेरी पुरानी वीडियोस गाड़ी वाली वीडियोस पे इतने ज्यादा व्यूज आते थे, वाह बहुत अच्छी चल रहा है माहौल, ठीक है, मतलब ऐसे 400-500 व्यूज डेली के आ रहे हैं, बहुत ज्यादा है मेरे लिए, ठीक है। मूवीज वाली व्यूज ही नहीं आ रहे, 30-40-50-60। मैं कहा अब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही चेंज कर लिया, अब लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे। मैंने सोचा यार कोई बात नहीं, थोड़ा सा और हौसला वो होता है, वो जो बैकग्राउंड में चल रहे तू बंदे रुकना वाला गाना चल रहा है, और मैंने कहा कि यार चलो ठीक है करते रहते हैं। फिर धीरे धीरे ट्रैक्शन मिलने लगा, उसी कंटेंट को ट्रैक्शन मिलने लगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा मेरे 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, बट इस साल मैंने एक चीज अचीव करी है, वो यही है कि मैंने अपने चैनल को ऐसे ओवरहॉल किया है, फ्रॉम बीइंग अ गाड़ी वाला चैनल टू अ मूवीज वाला चैनल, समथिंग दैट आई एक्चुअली लाइक, समथिंग दैट आई एक्चुअली लिव फॉर। जैसे अब मैं मुंबई में हूँ तो मुंबई में मुझे एक्चुअल में इतनी ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये घर जैसा है, कि मेरे जैसे लोग हैं यहाँ पे, ये सब भी तो कुछ बना ही रहे होंगे, सब भी कुछ कर ही रहे होंगे मेहनत अपनी दुनिया में, और मूवी से रिलेटेड या फिर स्ट्रगलिंग से रिलेटेड। मैं ऐसे जा रहा हूँ, पैम्फलेट्स लगे हुए हैं कि एक्टर्स एक्ट्रेसेस नीडेड, 3,000 रुपए per day, 5,000 रुपए per day। ये बहुत ही वियर्ड सा कट है, नाउ दैट आई एम लाइक ड्राइविंग इन मुंबई। सबसे पहली बात तो मैं रोहतक से हूँ, तो रोहतक ऐसे बहुत ही ज्यादा बड़ा शहर तो नहीं है, मुंबई दिल्ली की कंपैरिजन में काफी छोटा है। दिल्ली जाना ही बहुत बड़ी बात है, और दिल्ली से फिर यहाँ तक आना और भी ज्यादा बड़ी बात है, कि वो बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग होती है, कि हमारी जैसे बहुत सारी जनरेशन तक ना वो बैरियर को भी नहीं क्रॉस कर पाती है, दिल्ली वाले बैरियर को या फिर ऐसे बैरियर को। इट इज अ वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग जब आप यहाँ तक आ जाते हो, और हमने ये सारी जगह ना फिल्मों में देखी है, मेरे माँ बाप ने फिल्मों में देखी है, दादा दादी ने फिल्मों में देखी होगी, उनके दादा दादी फिल्मों में देखी होगी अगर उन्होंने टीवी देखा होगा तो। ये सारी जगह बहुत ही आउट ऑफ रीच फील होती हैं जब आप ऐसे टीवी में देखते हो, किसी स्क्रीन में देखते हो या किसी सुनते हो, पर जब आप यहाँ पे पहुंच जाते हो इतनी ज्यादा जबरदस्त ऐसे ओवरवेलमिंग सी फीलिंग आती है अंदर से, कि आपको ऐसा लगता है कि यार ये सब तो हम ऐसे टीवी में देखते थे, ऐसे अब हम उसी जगह पे हैं जहाँ पे ये सारी शूटिंग हो रही है। जैसे शुभम मेरा जो दोस्त है, वो जिस हॉस्पिटल में पीजी कर रहा है अपनी, कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल है वो यार, वहाँ पे राहा का जन्म हुआ है, राहा रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की बेटी है, मतलब That's crazy feeling. इतना ज़्यादा overwhelming लगता है ना, मतलब ये सारी चीज़ें, या इतना close हो उस सब चीज़ों के जो आप देखी हैं, बस सुनी हैं। और सबसे best part, मैंने जिस चीज़ के लिए वीडियो यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया, सबसे best part about this trip is I actually went and saw शाहरुख का घर, ठीक है, अपना मतलब द ग्रेट किंग खान, द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम, शाहरुख का घर, ये सिर्फ घर देखा है, शाहरुख नहीं देखा, बट वो घर के सामने खड़े होके ऐसे, मतलब मेरा पूरा अंदर से बॉडी ऐसे कपास आ रहा था अंदर से ना, ऐसे पूरे पैर में ऐसे थर 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 होने लग जाता है ना, ऐसा था कि अभी शाहरुख आ जाएगा, और ऐसे ऐसे जो हम टीवी में देखते थे, टीवी में ऐसा लगता है कि यार ये इतना दूर है, वो जैसे आके शाहरुख वेव करता है हमें लगता है कि वो बहुत ऊपर है, इट्स लाइक जस्ट एक फ्लोर भी नहीं है, वो आधा फ्लोर ऊपर है, और वो इतना क्लोज होता होगा जब बर्थडे के लिए विश करते होंगे, तो यार ये सारी चीजों को सोच के भी मैं इतना इमोशनल हो गया है। जहाँ हॉस्पिटल में जब हम गए थे, कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में, वहाँ पे जो भी मतलब जहाँ हमने कॉफी पिया, वहाँ पे अनीश पॉल बैठा हुआ था, मम्मी पापा उसके टीवी शोज देख रहे हैं, ठीक है, वो वहाँ पे होस्ट कर रहा है और वो सब कर रहा है, इट्स जस्ट लाइक देयर। पर्सनली मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है कि मैं किसी सेलिब्रिटी या किसी सुपरस्टार के इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हूँ, मैं ये चाहता हूँ अपनी लाइफ में और हो। बहुत अच्छा था, बस यही थोड़ा सा ऐड करना था। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। आई फील कि जिस कंटेंट या जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट है, जिस चीज में मेरा पैशन है, जो चीज को मैं फॉलो करना चाहता हूँ, शायद इन द फ्यूचर उस डायरेक्शन में चीजें करनी चाहिए, तो मैं वही
यही कर रहा हूँ, मैं मूवीज के बारे में वीडियोस बना रहा हूँ, एक्टर्स के बारे में, एक्ट्रेसेस के बारे में वीडियोस बना रहा हूँ, मैं मूवी के कलेक्शंस के बारे में, सिनेमा थिएटर्स के बारे में वीडियोस बना रहा हूँ, मैं वहाँ का एक्सपीरियंस मुझे कैसा लगा, आपको कैसा लगेगा अगर आप इस पिक्चर को देखोगे, वो सारी चीजों के बारे में वीडियोस बना रहा हूँ। अभी मैंने स्टार्ट कर दिया, ये पिछला साल मैंने यही किया, अगले साल भी मैं आपके साथ यही करूंगा। तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करना, थोड़ा सा ऐसा बस ऐसा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना जब भी आओ जाओ मेरे चैनल से, और जो जो मूवीज पसंद आती हैं उनके बारे में मेरे को भी बताओ, मेरे से भी बातें करो, जो भी क्वेश्चंस है वो पूछो थिएटर्स के बारे में, मूवीज के बारे में, मूवी की टेक्निक्स के बारे में, ताकि आप भी सीखो मैं भी सीखूं, सब सीखे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी व्हाट एवर यू हैव गिवन मी। अभी तक जितना मिला है उतने में मैं खुश हूँ वाला इंसान हूँ यार, पर और चाहिए भी मुझे। थोड़ा सा और देते रहोगे, धीरे धीरे देते रहोगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को खत्म। ये मेरा नया साल, आई होप आपका नया साल भी अच्छा ही जा रहा होगा। लेट्स स्टार्ट 2023 विद दिस वीडियो, और अब मूवीज आएंगी, हम भी वापस आते रहेंगे, आप भी आते रहिएगा, मिलते रहेंगे, वार्तालाप होता रहेगा। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। ख्याल रखो अपना, ख्याल रखो अपने परिवार वालों का। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही शानदार ऑनेस्ट फीलिंग्स के साथ। जो भी पिक्चर होगी देखेंगे, तुम भी मिलना मैं भी मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट। मुंबई लोकल इन द बैकग्राउंड गाइस।